हाँ तो मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि इस कहानी को एक नॉर्मल ब्लॉग की तरह दिखाओ या फिर किसी कहानी की तरह दिखाओ। तो भाई साहब, ये कहानी है रत्नागिरी खेड़ और भोते घाट की। तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम है समीर, आप देख रहे हैं समीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हूँ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के खेड़ इलाके में, और यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं घूम के आए, और यहाँ पर फाइनली बारिश भी बंद हो गई है और ऊपर से आज संडे भी है। तो मैं जाने वाला हूँ यहाँ की भोते घाट पर, तो लेट्स गो। तो भैया फिलहाल मैं हूँ भोते घाट पर, और अभी आप देखिए सामने का नज़ारा जो कि जन्नत से कम नहीं है और दिल खुश है। अरे रुको रुको, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है, तो एंजॉय।
सांसों में तेरी सरगमे है। अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना, अब तेरे बिन सांसों में तेरी सरगमे है। अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना, अब तेरे बिन। तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है। मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है, लम्हे जुदाइयां वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है। ओ पीड़ा आमीजे तुमार, शुधु जे तुमार, आमीजे तुमार, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहे। मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है। मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है, लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है। ओ पीड़ा उम्मीद करता हूँ ये मेरी नई कहानी और नई शुरुआत आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, तो मिलते हैं अगली कहानी में।